अच्छा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपको साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए और हम यहां रख के सॉल्व करेंगे। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी बच्चों 1/2 होती है। जब आप इसके अप्लाई करेंगे हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/4। ऐड किया बच्चों आपने तो ये 4/4, ये 1 आ गया। क्लियर हो गया? तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके लिए 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करना बच्चों, tan 45 की वैल्यू 1, 1/2 हो जाएगा और इसका कर लेंगे। cos 30 की वैल्यू बच्चों √3/2, तो इसकी होल पावर 2 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां cos square 30 है। इसी प्रकार से आगे sin 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, लेकिन यहां sin square 60 इसलिए इसकी होल पावर 2 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 2, ये हो जाएगा 3/4 और ये भी हो जाएगा 3/4। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा 2 और ये रहा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं? कर पाएंगे? ठीक है, नोट करिए फटाफट।